अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 21 और 22 में हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट और डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करके देखा, और हमने ये देखा कि टी टेस्ट में हमारे पास दो ग्रुप्स होते हैं। जब ग्रुप्स हमारे पास दो से ज़्यादा हो जाएं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो फिर हमारे पास टी टेस्ट एक अच्छी चॉइस नहीं रह जाती। इसके लिए हम जो टेस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, या जिसे हम सिंपली वन वे अनोवा भी कह सकते हैं, और ये मशहूर वन वे अनोवा के नाम से ही है। आइए हम देखते हैं कि अनोवा क्या होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू कंपेयर द मीन्स ऑफ थ्री और मोर ग्रुप्स एंड डिटरमाइन इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम। यानी तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप्स होंगे तो हम उनको कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि उनके मीन्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। दो तक अगर ग्रुप्स हों तो हम टी टेस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। ग्रुप्स दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो टी टेस्ट इस्तेमाल करना फिजिबल नहीं है। और आइए देखिए कि अनोवा एक मेथडोलॉजी है एनालिसिस की। द वेरियंस ऑफ द डेटा टू सी, अनोवा में वेरिएंस को एनालाइज किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या पॉपुलेशन के अंदर उनके मींस के अंदर कोई डिफरेंसेस हैं या नहीं। तो अनोवा मींस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस हम देखते हैं मींस के अंदर। द मेन आइडिया बिहाइंड अनोवा इज़ टू पार्टीशन द टोटल वेरिएशन ऑब्जर्व्ड द डेटा इनटू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। यानी डेटा में ग्रुप्स में जो टोटल वेरिएशन है और फिर हर ग्रुप के अंदर जो वेरिएशन है, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो इट क्वांटिफाइज द वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स एंड देन डिटरमिन्स इफ द ऑब्जर्व डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स मींस आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और इफ दे कैन बी एट्रिब्यूटेड टू रैंडम वेरिएशन। यानी ग्रुप्स के अंदर जो वेरिएशन आ रही है, क्या वो वेरिएशन हमारे मैन्यूवरिंग या ट्रीटमेंट की वजह से आ रही है, या वो रैंडम एरर की वजह से या रैंडम वेरिएशन की वजह से आ रही है। अनोवा अज्यूम्स दैट डेटा फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि टी टेस्ट की हमारे पास अजम्पशंस थी। एक तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इक्वल वेरियंसिस इसमें अज्यूम किए जाते हैं। टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, एफ टेस्ट में एफ डिस्ट्रीब्यूशन और एफ स्टैटिस्टिक को यूज़ किया जा रहा है। और एफ स्टैटिस्टिक्स इज़ द रेशियो ऑफ द वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स टू द वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स। इफ द एफ टेस्ट इज़ लार्ज इनफ इट सजेस्ट दैट देर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की मिसाल ऐसे हो सकती है जैसे हमने टी टेस्ट में तो मेल और फीमेल का ग्रुप देखा और ये दो थे। अब अगर तीन ग्रुप्स हों हमारे पास, मिसाल के तौर पे हम ये देखना चाहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल टॉप मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स का क्या है, क्या उनके मींस में कोई डिफरेंसेस हैं, और अगर डिफरेंसेस हैं तो उसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। तो क्या वो जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन ईच ग्रुप, बिटवीन ग्रुप का मतलब है विद इन ग्रुप का मतलब है फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप मैनेजर्स के दरमियान के में भी तो कोई वेरिएशन होगी, और इस तरह एज़ कम्पेयर टू टॉप मिडिल एंड लोअर उसमें क्या वेरिएशन है। एक उस ग्रुप की अपनी वेरिएशन और एक एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल डेटा क्या वेरिएशन है, तो हम ये देखते हैं। तो वन वे अनोवा इस्तेमाल किया जाता है कि जब हमारे पास सिर्फ एक फैक्टर हो जिसको हम समझते हैं कि इन्फ्लुएंस कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को, और टू वे अनोवा या फैक्टोरियल अनोवा हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास दो या से ज़्यादा फैक्टर्स हों। इफ़ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड द मींस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पोस्ट हॉक टेस्ट कैन बी परफॉर्म टू आइडेंटिफाई विच स्पेसिफिक ग्रुप मींस डिफर फ्रॉम ईच अदर। यानी हमारा नल हाइपोथेसिस इसमें ये होता है कि तमाम मींस आपस में बराबर हैं, और अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए तो फिर हम पोस्ट हॉक टेस्ट करते हैं। यानी हर ग्रुप को दूसरे ग्रुप से कंपेयर करके देखते हैं कि किस ग्रुप के अंदर डिफरेंस आया है। जो कॉमन पोस्ट हॉक टेस्ट हैं वो टकीज़ ऑनेस्टी
ऑनेस्टली सिग्निफिकेंट डिफरेंस टेस्ट है, HSD कहते हैं, बॉनफिरोनी करेक्शन और शेफ्स मेथड। हम ज़्यादातर टकीज टेस्ट यूज़ करेंगे और अजम्पशंस इसकी, जैसे मैं बता चुका, वही हैं। लेवल ऑफ मेजरमेंट, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल इंटरवल या रेशो हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए जिसके तीन लेवल्स हो सकते हैं, तीन या तीन से ज़्यादा। रैंडम सैम्पलिंग होंगी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस होगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। तो आइए हम मिसाल देखते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन हमारा ये है कि इज़ देयर अ डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस फॉर सीनियर मिडिल एंड जूनियर मैनेजर्स। क्या इन तीन ग्रुप्स के दरमियान स्ट्रेस लेवल वो बराबर है, सेम है, या कोई इसमें फ़र्क है? तो नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा एच नॉट, तीन ग्रुप्स हैं तो म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री। म्यू आपको पता है कि पॉपुलेशन की मीन को एक्सप्रेस कर रहा होता है, तो एच नॉट है कि तीनों ग्रुप्स के मीन डिफरेंसेस नहीं हैं। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा एच वन होगा, एटलीस्ट टू मीन्स डिफर, यानी कम से कम दो मीन्स तो आपस में मुख्तलिफ हो, यानी कि कम से कम दो ग्रुप्स के मीन्स आपस में नहीं मिलते, मुख्तलिफ होते हैं। आइए हम SPSS में चेक करते हैं। हमारे पास एक फाइल है वन वे अनोवा के लिए हमने बनाई हुई है, और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो स्ट्रेस है और पोजीशन है। हम जाएंगे एनालाइज में, कंपेयर मीन्स में, वन वे अनोवा में। लेवल ऑफ स्ट्रेस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको इस डिपेंडेंट लिस्ट वाले बॉक्स में लेके जाएंगे। पोजीशन ऑफ द एम्प्लॉइज हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विद थ्री लेवल्स, ये हम फैक्टर लिस्ट में ले जाएंगे। और उसके बाद पोस्ट हॉक में हम सिर्फ टकी को क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे। और ऑप्शंस में हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस को हम क्लिक कर देते हैं। और ये देखिए कि मिसिंग वैल्यूज में एक्सक्लूड केसेस एनालिसिस बाय एनालिसिस को क्लिक किया हुआ हो। कंटिन्यू कीजिए, ओके कीजिए। और सबसे पहला हमारा जो टेबल होता है वो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का होता है जो हमें मीन्स दे रहा होता है। देखिए सीनियर मैनेजर्स का जो मीन है 2.76 है, मिडिल मैनेजर्स का स्ट्रेस लेवल का मीन 2.81 है, इसी तरह जूनियर मैनेजर्स का 2.78 है। और ये टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंसेस लेविन टेस्ट आ गया, और आपको ये पता है टी टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि ये इसकी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये देखिए कि हमारा इन मीन्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो हैं, तो क्या ये डिफरेंसेस इतने हैं कि हम ये कह सकें कि ये स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हैं? यहाँ पर हम जो टेबल देखेंगे ये बात चेक करने के लिए, वो टेबल होगा अनोवा। और अनोवा में जो पी वैल्यू है ये 0.05 से कम आई है। और ये याद रखिएगा कि अनोवा में एफ टेस्ट किया जाता है, तो एफ टेस्ट 3.36 है और पी वैल्यू 0.042 है। पी वैल्यू हमारी कम आई है 0.05 से, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। देखिए हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था, एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू इज इक्वल टू म्यू थ्री, इसका मतलब क्या था कि द मीन्स ऑफ द थ्री ग्रुप्स आर इक्वल और देर इज़ नो डिफरेंस इन द मीन्स। ये हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि एट लीस्ट टू मीन्स डिफर, हो सकता है तीनों मीन्स ही आपस में मुख्तलिफ हों। आइए देखते हैं कि इसको मज़ीद कैसे करना। देखिए ये आउटपुट में जब पहले ये बात डिटरमिन हो गई है, पता लग गया है कि हमारा अनोवा टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट आ गया, पी की वैल्यू 0.05 से कम आ गई है, तो अगर ऐसा हो तो फिर हम पोस्ट हॉक टेस्ट को देखेंगे। अदरवाइज हम यहीं पर, अगर ये 0.10 होती, 0.05 से ज़्यादा होती, तो हम कहते कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और वी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, और तीनों के मीन्स जो है वो बराबर हैं। अब चूँकि बराबर नहीं आए, तो अब हमने देखना है कि कौन से मीन्स हैं जो आपस में बराबर नहीं हैं। तो इसके लिए हम पोस्ट हॉक टेस्ट के टेबल में जाएंगे और मल्टीपल कंपैरिजंस देखेंगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जिस
मीन डिफरेंस के ऊपर स्टेरिक बना हुआ होगा वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होगा। यानी सीनियर मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारा डिफरेंस -0.05 है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। यानी सीनियर मैनेजर्स और मिडिल मैनेजर्स के स्ट्रेस लेवल जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। मिडिल मैनेजर और सीनियर मैनेजर के हैं ये भी हमारे पास देख लीजिए, ये सेम बात बता रहा है ये वाली रो और ये वाली रो, जबकि जूनियर मैनेजर्स के साथ सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। तो आइए हम देखते हैं कि सीनियर मैनेजर के मीन 2.76 था जबकि मिडिल मैनेजर का 2.81 है। इसका मतलब है जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं दे आर एक्सपीरियंसिंग मोर स्ट्रेस एज कम्पेयर टू द सीनियर मैनेजर्स एंड एज कम्पेयर टू द जूनियर मैनेजर्स। तो लिहाजा हमारे एनालिसिस ऑफ वेरियंस से ये चीज़ कंक्लूड करते हैं कि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन स्ट्रेस लेवल स्कोर्स ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ मैनेजर्स और थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजर्स सीनियर मिडिल एंड जूनियर मैनेजर। तो यहाँ तक हमारा वन वे एनालिसिस ऑफ वेरियंस ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारा इफ़ेक्ट साइज क्या है और हमारा पावर ऑफ द टेस्ट क्या है। इसके लिए आप अगली वीडियो देखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।